नमस्कार, मैं हूँ शिवानी और आप देख रहे हैं सरल भारत न्यूज़। आज हम आए दिल्ली के जनकपुरी एरिया में और यहाँ पे बात करेंगे उन लोगों से जो मिट्टी का बर्तन बेचते हैं और उनको क्या क्या समस्याएं हुई इन 2 सालों में कोरोना के बीच में। तो आइए उनसे जानते हैं उनकी समस्याएं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये इनका सामान है जिन इन्होंने इनसे छुपा के रखा था PWD वालों से, ताकि वो देखे ना और ये छुपा के जो इनके ग्राहक आते हैं वो इनसे ख़रीद सके, जो इनके पुराने ग्राहक हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो बताएंगी ये। आप क्या क्या चीज़ें हैं? ये स्टैंड वगैरह है, ये स्टैंड है और ये गमले हैं डिज़ाइन वाले, ये तुलसी पॉट है, ये ढोलक वाली है, ऐसे छोटे मोटे आइटम हैं उनके यही थोड़े बहुत रखते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा लोग लेते हैं, स्टैंड वगैरह गमले वगैरह यही ज़्यादा लोग लेते हैं। तो जो बंदे गिरा के आस पड़ोस के वही आते हैं, थोड़े बहुत जो बिक जाते हैं, अगर बाई चांस आ जाए तो बिक जाते हैं, नहीं तो फिर पड़े रहते हैं। कितने तक में बिक जाते हैं ये जोड़ा है 1200 का बताने का। और ये सिंगल, अगर सिंगल बेचो आप ये तो? सिंगल नहीं बिकता ना, क्योंकि एक पीस हमारा ख़राब हो जाता है। सिंगल को अगर किसी को सिंगल चाहिए होगा तो 300 में 400 में दे देते हैं। जोड़ा है बताने का 1200 का, 800 रुपये लगे 700 रुपये लगे दे देते हैं। स्टैंड है हमारा 550 का बताने का, 400-300 लगे दे देते हैं। और ये चिड़ियाओं का है, ये जानवरों का वो है 600 रुपये का जोड़ा बताने का। जानवरों का क्या है, पानी देने का? नहीं, ये गमले हैं। अच्छा, जानवरों के। अच्छा, ये 600 रुपये का बताने का है, अगर लगे 300-400 रुपये तो दे देते हैं। ऐसे हमारा थोड़ा बहुत हो जाता है गुजारा, लाते हम 100-200 रुपए का मिल जाए उसमें हमें 50-100 रुपए तो हमारा टाइम पास हो जाता है, उसमें चल जाता है। रेट में खरीद के लाते हो, उतने रेट में बेच पाते हो? जितने रेट में खरीद के लाते हैं उससे भी कम रेट से मांगते हैं ग्राहक, क्या करें। वो कहते हैं मिट्टी तो है, अब मिट्टी के बर्तन में कितनी मेहनत है वो नहीं देखते हैं। अब फ्रिज का पानी पीते हैं उससे नुकसान करता है, मिट्टी के बर्तन में पीने से खाने से नुकसान नहीं होता है। इस मारे ग्राहकों को हम समझाते हैं, हम खरीद के लाते हैं 10-5 रुपए तो हमें बचने चाहिए, ग्राहक फिर वो खरीद रेट से भी कम रेट में मांगते हैं, क्या करें मैडम। अपना 10-20 रुपए करने के लिए गुजारा कर रहे हैं हम। ये खरीद के कहाँ से लेके आते हो? ये खरीद के लाते हैं गुजरात से, राजस्थान से। तो वहाँ पे लाने और ले जाने का भी खर्चा होगा, मतलब आप वहाँ से लेके आते हो तो वो भी खर्चा अलग। इतना टूट फूट हो जाती है, कुछ नहीं बचता है इनमें, क्या करें। अपने बच्चों का गुजारा करने के लिए गर्मी गर्मी लगाते हैं, थोड़ा बहुत अपने बच्चों का गुजारा कर लेते हैं। अभी नवरात्रे गए हैं इस बीच में, तो आपका कुछ फ़ायदा हुआ है या नहीं? ऐसा ही फ़ायदा हुआ है, बच्चों का गुजारा हुआ है बस, बच्चों को दाल रोटी कमा के खिला दी है, यही फ़ायदा हुआ है बस। तो आपका ये जो काम है कितने सालों से आप कर रहे हो ये काम? हमारा ये तो काफ़ी सालों से है काम, कम से कम 25-30 साल हो गए। तो 25-30 साल में ये जो 2 साल हुए कोरोना की वजह से, बस इन्हीं में आपको नुकसान हुआ है या पहले भी होता था? पहले भी जैसे ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं है मिट्टी के सामान में, जितना लाते हैं उसमें 20-30 रुपए एक बर्तन में कमाते हैं, उतने महंगाई इतनी बढ़ गई है तो बच्चे को गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। हमेशा के लिए बेचते हो या अभी? नहीं, जब भी त्यौहार आता है जब भी बेचते हैं। गणेश चतुर्थी का आता है तो गणेश बेचते हैं, शेरो वाली का आता है, अभी नवरात्रे आते हैं तो नवरात्रे में शेरा वाली बेचते हैं। कुछ भी नवरात्रे वगैरह आते हैं ना वही हम सामान लगाते हैं, जैसे अभी ये मिट्टी घड़ों का सीजन आए तो घड़े लगाए हैं, अंगी बारबेक्यू का सीजन आता है ना तो बारबेक्यू लगाते हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 8th। अच्छा, तो आप इनके साथ काम करते हो यहाँ पे बैठ के? हाँ, स्कूल के बाद? मम्मी है। हाँ, स्कूल के बाद करते हो या स्कूल? स्कूल से, स्कूल 6:30 बजे जाते हैं, 12 बजे आ जाते हैं, 12 बजे मम्मी के साथ हम काम करते हैं। फिर स्कूल से आके पढ़ना भी होता है? हाँ। तो आप वो कब पढ़ते हो? हम 1 बजे तक पढ़ते हैं, जब स्कूल से आते हैं जब बुक लेके बैठ जाते हैं, फिर 1 बजे हट जाते हैं ना, फिर मम्मी के साथ बैठ जाते हैं, फिर बाहर बैठे बैठे कोई बुक रीडिंग कर लेते हैं, जो कोई ग्राहक आते हैं उनको वो कर लेते हैं ना, वो संभाल भी लेते हैं। खा देते हो आप? तो आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? डी ब्लॉक जनकपुरी नंबर 2।
जैसा कि आपने देखा, हमने लोगों से बात की, दुकानदारों से बात की, उन्होंने बताया कि उनको इन 2 सालों में कोरोना की वजह से काफ़ी समस्याएं आई हुई है। वो जितने में सामान लेके आते हैं उतने में बेच भी नहीं पाते, उनको उनसे भी कम दामों में उनको ये सामान बेचना पड़ता है। और कई लोग उन्हें यहाँ से हटा भी देते हैं, यहाँ पर रोड पर सामान लगाने से मना करते हैं। आप इस बारे में, इस मुद्दे पे कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं शिवानी झा, सहयोगी मोनिका के साथ, आप देखते रहिए सरल भारत न्यूज़।